राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है माघ माहात्म्य। माघ के महीने में आपकी इच्छाएं पूरा करने के लिए, इच्छाओं को पूरा करने के लिए श्री कृष्ण भगवान की आराधना आवश्यक है। इस महीने में श्री कृष्ण भगवान ने भक्तों के दुखों को हरने के लिए एक बहुत ही दुष्ट राक्षस का वध किया था, जिसका नाम है मधु। इस मधु राक्षस को मारने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम मधुसूदन लिया जाता है। मधुसूदन नाम से श्री कृष्ण भगवान को पुकारा जाता है और श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आप कई प्रकार के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। इस महीने में सुबह सुबह स्नान करके अपने स्नान करने वाले जल में यदि आप गंगा जल डाल सकें तो ये और भी उत्तम होगा। और गंगा जल से स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। सूर्य के अर्घ्य के लिए गंगा जल का लोटा लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें, थोड़ा सा चीनी ना डाल सके गुड़ डाल लें, कुछ भी मीठा डालकर सूर्य के लिए उस लोटे को दें। सूर्य को अर्घ्य देते समय जरूरी नहीं कि आपके सामने सूर्य दिखाई भी दे, क्योंकि ये माघ का महीना जो चल रहा है, इस महीने में सूर्य सुबह सुबह दिखाई दे ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आपको सूर्य को अर्घ्य देना बहुत जरूरी है। इस माघ महीने में कृष्ण भगवान की पूजा आराधना से, अनुष्ठान से, व्रत से, जाप से, साधना से आप जो फल चाहें वही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको संतान सुख से वंचित हैं तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप नौकरी चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, ट्रांसफर चाहते हैं, अपना उचित कोई भी मनोरथ पूरा करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस महीने में कृष्ण भगवान के नामों का जाप करें। कृष्ण भगवान के ऐसे मंत्र हैं जो आपकी संपूर्ण इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जिनमें कुछ मंत्र हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। मधुसूदन नाम है कृष्ण भगवान का, जिसके कारण इस महीने में उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है मधु राक्षस का वध करने के लिए। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो मंत्र होते हैं वो भगवान से आपका सीधा कनेक्शन करके आपकी कामनाओं को पूरा करवाने में सहायता करते हैं। इस महीने में आपको कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नहीं खानी चाहिए, जैसे मूली, जैसे धनिया। मधुसूदन नाम का जप करें, आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें। भगवान शिव को हर सोमवार, इस महीने में आने वाले हर सोमवार को अभिषेक करें, चंदन का तिलक करें, जल का लोटा चढ़ाएं, उसमें हो सके तो थोड़े से काले तिल भी डाल दें। ये महीना ऐसा महीना है जिसमें आपके सारे मनोरथ पूरे हो सकते हैं, सारी कामनाएं, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। तो इसलिए आप इस महीने के महात्म्य को बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपनाएं और इस महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं। लक्ष्मी माँ के प्रीतम प्यारे प्रियवर श्री विष्णु भगवान इस महीने में सभी भक्तों की आशाओं को पूरा करते हैं। नौकरी की हो, मकान की हो, दुकान की हो, व्यापार की हो, बिजनेस, आपका कोई भी मनोरथ हो वो इस महीने में आप अच्छे से चमका सकते हैं। इसके लिए आपको कृष्ण भगवान के कुछ मंत्रों का जाप करना होगा। कृष्ण भगवान ऐसे हैं जैसे धन्ना जाट के यहाँ, धन्ना जाट से प्रेम में पढ़कर इन्होंने उनके यहाँ खेती तक की, झोपड़ी में रहे, और लक्ष्मी माँ को भी इनके लिए धन्ना जाट के घर आकर उसके सारे काम करने पड़े। और जब धन्ना जाट के सारे काम पूरे हुए तभी ये दोनों अपने लोक को पधारे। इसलिए जहाँ विष्णु भगवान होते हैं, जहाँ कृष्ण भगवान होते हैं, वहां तो लक्ष्मी माँ को आना ही होता है। इसलिए आपके घर में लक्ष्मी माँ भी पधारें, भगवान कृष्ण का भी वास हो। इस तरह से आप इस महीने का पूरा लुत्फ उठाएं, फायदा उठाएं, क्योंकि इस महीने में आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं ये आप खुद ही नहीं जानते। इसलिए इस महीने के महात्म्य को समझकर माघ महात्म्य सुने, कृष्ण भगवान का जप करें, हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते करते अपनी दिनचर्या बिताएं। झाड़ू लगाते समय, पोछा लगाते समय, सब्जी बनाते समय,
किसी भी समय आप अपने आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान को जपे, समय समय पर राधा रानी के नाम का उच्चारण करें, राधे राधे पुकारे, राधे राधे, राधे राधे। अब बात आती है कि इस महीने में हम किन मंत्रों का उच्चारण करें। श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए आप जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे हम इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनको लिख देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम इस फायदे की बातों को आप अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को और मित्रों को जरूर पहुंचाएं। इसी आशा के साथ हम आपको मंत्र बताते हैं। श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए जो मंत्र हैं वो हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर से सुन लीजिए भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसकी धुन भी आपको मिल जाएगी, आप इसे अपने मोबाइल में भी चला कर रख सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। तीसरा मंत्र है ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री केशवाय नमः। चौथा मंत्र है ओम श्री माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः। अगला मंत्र है ओम मधुसूदनाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः। और सबका प्रिय एक और मंत्र, ओम श्री कृष्णाय नमः, राधे राधे। भक्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। जय श्री राम।